वेलकम बैक माय चैनल सिकास। आई होप आप से बहुत अच्छे होंगे। तो बाबू को आज वैक्सीन लगाया, मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं की थी और अभी 5:30 बज रहे हैं शाम के। बाबू बहुत बहुत तेज रो रहा है, मेरे गोद में ही है अभी। थोड़ा सा रुकता है फिर रोने लगता है, मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं मम्मी को दे देती हूँ, इसे देख के मुझे भी रोना आ रहा है अंदर से। बहुत रो रहा है बच्चा, बहुत तेज। अभी दूध भी बना के रखे लेकिन दूध भी नहीं पी रहा है बच्चा मेरा। ठीक हो जाएगा। देखिए कैसे रो रहा है बाबू मेरा, रो रहा है, बहुत रो रहा था, बहुत तेज रो रहा है बच्चा मेरा, बहुत तकलीफ हो रहा है। इस बार थोड़ा ज्यादा ही इसका तबीयत खराब हो जाएगा। मतलब मम्मी बोल रही है 3 सुइयां है ना, और इसमें तबीयत खराब होता भी है। तो जब से मैं सो के, मतलब सो ही नहीं रहा था, कैसे कैसे करके सुलाई हूँ। सोने के बाद फिर सोया हुआ था, बस नींद में ही रोने लगा, बहुत दर्द होने लगा इसे, बस रोने लगा। अभी तो मैं कैमरा ऑन किया तो कैमरा देख रहा है इसलिए शांत है, अब लाइट जो चल रहा है इस वजह से। तो बहुत रो रहा है, रुक रुक के रो रहा है, बहुत तेज रो रहा है। लाइट जल रहा है, सोना लाइट जल रहा है बेटा, बच्चा मेरा, बच्चा मेरा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 9:45 हो रहे हैं और आज सुबह से, मतलब रात से ही बारिश हो रहा है, करीब 1 बजे से रात से बारिश हो रहा है और सुबह तक हो रहा था बारिश। इस वजह से लाइट भी कट गया था, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया है। और इसके बाद फिर अभी लाइट है लेकिन उसमें वोल्टेज नहीं है लाइट में। और लड्डू का बहुत तबीयत ख़राब था रात को, मतलब बुखार आ गया था, फीवर आ गया था। तो रात को मैं 1 बजे इसको दवाई दी थी और फिर सुबह फिर दवाई दी क्योंकि बुखार बहुत तेज़ था इसी वजह से। और अभी बाबू खेल रहा है, देख सकते हैं, अभी ठीक है फिलहाल। लेकिन बुखार, मतलब कि इसका जो है ना, वो जैसा बोलता था रिएक्ट करता था, अभी नहीं कर रहा, थोड़ा सुस्त टाइप का हो गया है इसीलिए। और इसका आज नहाऊंगी नहीं, मम्मी मना की है नहलाने के लिए, सो मत नहला। दिन भी, मतलब मौसम भी ठंडापन है, सिर्फ इसका बॉडी पोछ के अच्छे से और गर्म पानी से, इसके बाद फिर कपड़ा चेंज कर दूंगी बाबू का, अभी कर दूंगी मैं। पहले नाश्ता कर लेती हूँ। तो नाश्ता है, मुझे मन था मैगी और रोटी खाने का। तो किस किस को अच्छा लगता है मैगी रोटी, मैगी पास्ता खा, ये पास्ता रोटी खाने में, और कोई कोई जो जो खाए वो कमेंट में बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे सूपी दे गई रोटी और यहाँ पे मैगी। तो वो नाश्ता करूँगी अभी, और पापा गए मार्केट, अभी तक नहीं आए मार्केट से। तो चलिए आज का जो जो होगा सब कुछ शेयर करूँगी। बाबू मेरा थोड़ा अभी ठीक है फिलहाल, बड़ा शांत हो गया है, थोड़ा खेल रहा है अभी। गुड गुड, यू टू। ले बच्चा, बहुत ज़्यादा रो रहा था बाबू कल, मतलब संभालना मुश्किल हो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था, मतलब ऐसा रो रहा था कि रुक ही नहीं रहा था, रो रहा था तो कपस कपस के पूरा रो रहा था। वैसा रोना मैंने कभी नहीं देखा है बाबू का, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। हेलो एवरीवन, तो अभी बाबू मेरे गोद में है, बाबू का तबीयत खराब है, बाबू सो भी नहीं रहा है, थोड़ा सा सो रहा है फिर उठ जा रहा है। और अभी मैं इसे थोड़ा सा लेकर टहल रही हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, नहाने में भी लेट हो गया। पहले बाबू को आज नहाई नहीं हूँ, तो बाबू का ही सब पहले काम की थी, नहा कर आई, बस इसे ले लिया गोद में। और ये आज रह ही नहीं रहा है, मतलब सो ही नहीं पा रहा, नींद ही नहीं आ रहा है इसे, बहुत बारिश हुआ है, पूरा भींग गया है पूरा। ये सब भींग जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, चलने में अच्छा नहीं लगता। और बाबू ये देख सकते हैं, बाबू ये क्या, मतलब बाबू जैसे खेलता था पहले
उससे नहीं खेल रहा है अभी, थोड़ा मन खराब है ना, थोड़ा क्या मतलब कोई भी हो अच्छा नहीं लगता है उससे, तो इसीलिए बाबू को भी अच्छा नहीं लग रहा है। बाबू मतलब हंस रहा है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा इशारा वगैरह करती हूँ तो देखता है, रिएक्ट करता है। और अभी मम्मी बना रही है आज मटन और पुलाव, क्योंकि मैं चल जाऊँगी बहुत जल्द, तो मम्मी बोले बना के खिला देती हूँ। तो पापा आज मटन लेकर गए थे, हाँ पापा काम पे चले गए, आएंगे आज। पापा का नाइट और डे दोनों ड्यूटी है, दोनों करेंगे रात भर, और इस टाइम भी करते हैं पापा, तो अभी आएंगे पापा, खाना वगैरह खा के चल जाएंगे। तो मम्मी पुलाव बना रही है और मटन साथ में दोनों बना रही है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं बाबू को सूपी को दे देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अभी मम्मी बना रही है और लाइट आ गया है, फाइनली डिस्चार्ज हो गया था इन्वर्टर और लाइट आ गया। हम लोगों को तो लगा लाइट आएगा ही नहीं, तो लाइट आ गया अभी। मम्मी यहाँ पे बनाए थे मटन और बनाए पुलाव। अब पुलाव अभी लाइट आ गई, भाई गया पानी भरने के लिए, पानी नहीं था, फिर तेज कर दिलो। हे गाइस, तो अभी मैं बैठी हूँ बाबू के पास और मम्मी बोली जाओ बाबू के पास बैठो, तो बाबू के पास मैं आ गई हूँ, क्योंकि बाबू अभी रह नहीं रहा है किसी के पास भी। अभी बाबू का बॉडी थोड़ा गर्म है, बहुत बारिश भी हो रहा था, अभी थोड़ा बंद है बारिश। अभी लाइट भी आ गया है तो अच्छा लग रहा है। अभी मैं लड्डू बैठे हैं, लड्डू छूना हेलो वाला बच्चा, बच्चा हाँ बेटा हाँ। बाबू रुमाल लिया चीज तो कुकी। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ और मम्मी मुझे दे दी पुलाव और मटन, पुलाव मटन और सलाद, तो भी खाते हैं। थोड़ा ले भी ना। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम का वक्त हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं और खाना वगैरह खा के, खाना मम्मी इतना टेस्टी बनाई थी, खा के नींद आ गया मतलब। और बाबू भी मतलब सोया हुआ था, सो नहीं रहा था, मैं कैसे करके उसे सुलाई हूँ, और ये भी पूरा सो गया, मैं भी पूरा एकदम नींद में, और बहन भी सो गई है, मम्मी को काम था तो मम्मी थोड़ा चली गई है काम पे अपना, और आ जाइए अभी। और बाबू मैं एकदम ऐसा सोए है ना कि पता नहीं क्या क्या मैं सपना देख रही हूँ नींद में, बहुत गहरा नींद में, कुछ भी होश भी नहीं है। गेट लगा रहता है जब हम लोग सोते हैं, तो बाहर से गेट लगा रहता है, अंदर से गेट लगा रहता है, और भाई था जगा हुआ। और लड्डू मेरा देखिए कैसे कर रहा है। क्या बेटा, नहीं बेटा नहीं, तो अभी बाबू को दूध वगैरह दूंगी, दवाई वगैरह दूंगी। बाबू का आज मसाज तेल मालिश नहीं हुआ है, कल भी नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है, बुखार था थोड़ी देर पहले भी से बुखार आया था, तो उसे दवाई वाई दी, अभी तो अभी बिल्कुल ठीक है बाबू। उसे उसकी मौसी घुमा कर ले आई बाहर से, मैं भींगा भींगा कपड़ा सब उठा के सब अच्छे से पसार रही थी, आज एक भी कपड़ा नहीं सूखा है। बाबू इतना पॉटी कर रहा है ना, क्या बताऊं मैं आप लोग, सारा बाबू का जो छोटा छोटा केथा होता है वो सारा ही मतलब खराब हो गया है, एक भी अब नहीं है कि मैं से भी लेटा पाऊंगी केथा। मैं लेकर भी नहीं आई थी ज्यादा, तो भी मम्मी के पास यहाँ पे 3-4 था तो वो सब लगाए, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा बाद लेटरिंग कर दे रहा है, पॉटी कर दे रहा है। तो मैं बहन को बोली हूँ दूध बनाने के लिए, और बहुत कोई का कमेंट आ रहा था कि दी आप कौन सा दूध देती हैं, फीडिंग नहीं कराती, तो मैं फीडिंग भी कराती हूँ, फॉर्मूला मिल्क दोनों देती हूँ बाबू को, अभी तो ये दूध पीता ही नहीं है। चलिए मैं इसे तैयार वगैरह कर लेती हूँ, इसके बाद आप लोगों को एक और न्यूज में बताऊंगी, थंबनेल से तो आप समझ ही जाइएगा, लेकिन बता दूंगी एक और न्यूज। हाँ बेटा। हे गाइस, तो अभी बाबू को सब पूछ करके, और बाबू नवासी के साथ बैठा हुआ है, और पैकिंग करना है मुझे, क्योंकि अब मायके से ससुराल जाना है, वक्त आ गया है जाने का।
आप लोग बोलिएगा, आप लोग तो कमेंट आते रहता है, कब जा रही है ससुराल, मायके जब भी आती है तो कमेंट आते रहता है कब जा रही है ससुराल। तो फाइनली मैं ससुराल जा रही हूँ परसों, कल पैकिंग करूँगी। और मेरा लड्डू देखिए वहाँ से मुझे देख रहा है, देख सकते हैं, बहुत पहचानता है वो मुझे, बहुत ज़्यादा ही। देखिए कहीं मैं दूर में भी रहूँगी ना तो वो दूर से भी मुझे देखता है, क्या बेटा आ रहे। तो अभी अब शाम हो गया है, पापा आएंगे, मम्मी भी आ जाएगी, शाम मतलब 6:30 बज रहे हैं अभी शाम के। तो चलिए अब मैं कल मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो प्लीज़ पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के लिए बाय, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं अच्छा वीडियो नहीं दे पा रही, जो भी होता है वही शेयर करती हूँ मैं, कुछ दिखावा नहीं करती हूँ जो है। आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे, बाबू अभी छोटा है इसी वजह से, कि कुछ हम लोग टूर या फिर कहीं घूमने फिरने का वीडियोस डाल पाऊँ। आप लोग प्रे कीजिए तभी कर पाऊँगी, नहीं तो फिर नहीं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आज के लिए बाय, अभी बाबू ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं शॉर्ट्स में कि बाबू कैसा है कैसा है। तो बाबू अभी ठीक है फिलहाल, बहुत तकलीफ हुआ है बाबू को, बहुत तकलीफ हुआ कल, मतलब कल तो देखा ही नहीं जा रहा था बच्चों के साथ तकलीफ हुआ, लेकिन अभी ठीक है बाबू। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरा बच्चा हमेशा ठीक रहे। अच्छा जी बाय, बार बार बाय बोल रही हूँ फिर बोलते जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो फाइनली अब बाय।